कॉर्बेट नेशनल पार्क पार्ट टू में आपका स्वागत है। पार्ट वन में हमने आपको जंगल के बारे में बताया था और अभी हम जंगल में ही हैं। यहाँ हमने रास्ते में हिरण, मोर, अन्य जंगली जानवर और पक्षियाँ हमें नज़र आई। आगे भी हम यहाँ की जानकारियाँ मालूम करेंगे कि कैसे यहाँ आया जा सकता है और क्या क्या यहाँ देखने लायक है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हम नेशनल कार्पेट पार्क के फॉरेस्ट में अभी यहाँ पर खड़े हैं और जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, पूरा जंगल चारों तरफ जो है पेड़ ही पेड़ नज़र आ रहे हैं और हमारे बीच में जो है वो डॉक्टर अरुण प्रकाश ढोंडियाल जी हैं, जो कि इस फॉरेस्ट के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं। तो इन्हीं से पूछते हैं फॉरेस्ट के बारे में और कि इस फॉरेस्ट के बारे में ये हमें बताएं कि क्या इस फॉरेस्ट की खासियत है। डॉक्टर अरुण प्रकाश, ये फॉरेस्ट जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क का एक हिस्सा है, लेकिन एक लंबे टाइम तक इसको कॉर्बेट नेशनल पार्क से अलग रखा गया क्योंकि इसमें राजनीति और स्थानीय लोगों का जो अपनी मानसिकता थी, उसकी वजह से इसको कॉर्बेट नेशनल पार्क न कहलाए जाने की एक बहुत बड़ी साजिश थी। लेकिन किसी तरह से यहाँ के कुछ समाज सेवकों ने, कुछ जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन लोगों ने बहुत अधिक मेहनत की और मेहनत करने के बाद यहीं से लगभग 3 किलोमीटर पीछे एक फॉरेस्ट चौकी है, वहाँ से अंदर को एक रोड बनाई गई जो कि डीप नेशनल कॉर्बेट पार्क को जाती है। वो पूरी रोड जो आपको फॉरेस्ट के सभी प्रकार के एनिमल देखने को मिल सकते हैं। ये पार्क जहाँ पर हम खड़े हैं, ये यहाँ से आगे एक स्थान आता है रथवा ढाब। ये किसी ज़माने में बहुत पुरानी फॉरेस्ट चौकी हुआ करती थी और यहाँ पर उस ज़माने में जो फॉरेस्ट के अफसर्स थे वो खच्चरों में आते थे, घोड़ों में आते थे और उनका पूरा अमला जो था वो एक साथ यहाँ आता था और पूरे फॉरेस्ट की वो जांच करते थे, पेड़ों की गिनती तक करते थे कि कितने प्रकार के, किस प्रकार के कितने वृक्ष हैं और किस प्रकार के कितने वृक्ष हैं। इस तरह की टोटल गिनती करने के बाद वो लोग यहाँ पूरा मुआयना करने के बाद तब वो लोग वापस जो है वो नैनीताल या पौड़ी जो कमिश्नरी होती थी वहाँ जाते थे। लेकिन आज एक बड़ी दुख की बात आप लोगों को देखने को मिलेगी, अगर आप यहाँ अप्रोच करते हैं किसी तरह कोटद्वार से, लगभग ये एरिया कोटद्वार से जहाँ पर हम खड़े हैं ये 58 किलोमीटर पे आता है, तो यहाँ आप देखेंगे कि पूरी रोड जो है वो इस तरह से ख़राब है कि इसमें सामान्य व्हीकल जो है वह मुश्किल आ पाती है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, हम लोग किसी को ठहरा तो नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, फॉरेस्ट की तो ये सड़क है और फॉरेस्ट की सड़क को कौन बनाते होंगे इसके बारे में आप लोग खूब अच्छी तरह से जानते हैं। ये गढ़वाल का हिस्सा है और कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो पूरा गढ़वाल का हिस्सा है। वहाँ जो डैम बना हुआ है वो आपका पूरा डैम जो है वो भी एक गढ़वाल का हिस्सा है। यहाँ पर हम लोग जब रास्ते में आए तो हमको एक दौड़ता हुआ हिरण दिखाई दिया और सामने से जो है ये जो जंगली वो है मुर्गे और मुर्गियाँ हैं, ये बेताब में हजारों में जो है यहाँ पर उड़ती हुई हम लोगों को दिखाई दी। हम लोगों ने, आप भी अगर कभी यहाँ आते हैं और देखते हैं यहाँ के, अगर सैर करना चाहते हैं तो रामनगर के बदले आप कोटद्वार के साइड से आ सकते हैं और कोटद्वार में रथौड़ाव से पहले लगभग 8-7 किलोमीटर पहले एक चौकी है फॉरेस्ट की, वहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को रथौड़ाव से कोटद्वार के आने पर लेफ्ट हैंड साइड को चौकी से अंदर रोड जाती है, आप परमिशन ले सकते हैं एंड आप उसका एक बहुत अच्छा व्यू भी देख सकते हैं और व्यू के साथ साथ जो है आप पूरे फॉरेस्ट का नज़ारा देख सकते हैं, जो नज़ारा आप रामनगर से देख सकते हैं मेरे ख्याल से उससे अच्छा डीप फॉरेस्ट ये है और यहाँ उसका आप नज़ारा बहुत अच्छा देख सकते हैं। और इस साइड में एक नदी भी आती है, इस फॉरेस्ट रेंज के बाद जो बता रहा हूँ आपको चौकी को, एक नदी आती है उसको मच्छी की नदी कह सकते हैं आप, क्योंकि उसमें केवल मच्छियाँ ही मच्छियाँ बहती हैं, यानी पानी तो बहता ही है लेकिन पानी में ऐसा नहीं लगता कि पानी बह रहा होगा, ऐसा लगता है कि इसमें मच्छियाँ ही मच्छियाँ बह रही हैं। तो इस प्रकार के नज़ारे आपको यहाँ को देखने को मिलेंगे, आप आइए और आप
आपका स्वागत है मैं समझता हूँ। डॉक्टर साहब, अगर नोएडा और दिल्ली से आना हो तो कैसे आया जा सकता है? नोएडा और दिल्ली से अगर आना है तो आपको कोटद्वार आना पड़ेगा। कोटद्वार का जो रूट है वो दिल्ली से कोटद्वार का एक सर्टेन रूट है, आप उसी रूट से हमेशा आते हैं कोटद्वार, और कोटद्वार पहुंचने के बाद फिर आपको दुगड्डा, और दुगड्डा के बाद आपको जो है फॉरेस्ट की रोड लेनी होती है। राइट हैंड साइड को सीधे फॉरेस्ट की रोड है, उसमें सीधा पूरा फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है, और उस फॉरेस्ट से आखिर में जो है आकर के रथौड़ा आता है। रथौड़ा से आगे भी फॉरेस्ट है लेकिन उसके बाद बहुत अच्छी बस्तियाँ आपको मिलेंगी। इससे आगे जो है आपको धुमाकोट के साइड में ये रोड जाती है, वहाँ भी आप सीनरीज देख सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा एरिया है। इसमें दो चीज़ें जो हैं टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो लैंसडाउन का एरिया बहुत नज़दीक यहाँ पर है, और दूसरा यहाँ पर एक मंदिर है, वो जो मंदिर है वो शिव का मंदिर है, उस मंदिर के भी आप दर्शन कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ आना अगर कोई टूरिस्ट आता है तो उसको अपने जीवन का एक बहुत बड़ा आनंद मिलेगा, और उसको एक उत्साह मिलेगा कैसे फॉरेस्ट में आकर के हम लोग रहते हैं। हमने अभी एक आदमी को देखा है कि जिसको कि टाइगर ने जिस पे झपटा मारा था, किसी ने टाइगर उसको खा सकता था, लेकिन उस आदमी की बहादुरी यह है कि उसने लंडे से डंडे से उसके मुंह में डाल करके अब किसी तरह अपनी जान बचाई, जो कि अबाउट 60% वो उससे घायल हो गया था, इवन देन उसने अपनी ज़िंदगी को बचाया। ऐसे बहादुर लोग यहाँ पर रहते हैं। मैं समझता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आएंगे तो इसके अलावा भी बहुत सारी आपको कहानियाँ, बहुत सारे किस्से आपको सुनने को मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमें जो है यहाँ की जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। यही वो फॉरेस्ट चौकी है जहाँ से आप परमिशन लेके साइड सीन को निकल सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये था पार्ट 2, मिलते हैं पार्ट 3 में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।